हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टार कृति गौतम गया और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम लोग यहाँ COVID-19 का जांच और वैक्सीनेशन लेने आए हैं और आप लोग के साथ भी वीडियो शेयर करेंगे। पूरा देखिएगा इसमें क्या क्या सिम्टम होता है सुई इंजेक्शन लेने के बाद और क्या साइड इफेक्ट है इसका, क्या बेनिफिट है इसका। हम वीडियो के सारे एंड तक में बताएंगे कि क्या क्या इससे साइड इफेक्ट हो रहा है, क्या सिम्टम हो रहा है वैक्सीन लेने के बाद। वीडियो के मेरे एंड तक जुड़े। यहाँ COVID-19 का जांच हम और मेरे हस्बैंड दोनों करवाने आए हैं और दोनों वैक्सीन लेने आए हैं COVID-19 का। जो वैक्सीनेशन जो होता है वो फर्स्ट डोज हम लोग का है और सेकंड डोज भी जब लूँगी तो मैं उसका भी वीडियो आप लोग के पास डालूंगी। तभी हम लोग जब जांच करवाएंगे तो आपके पास कोशिश करूंगी कि अंदर कैमरा करने दे तो आप लोग के पास वीडियो भी पोस्ट करूंगी और क्या इसका साइड इफेक्ट होता है ये भी बताऊँगी। नहीं थी गाइस, मैं अभी घर आ चुकी हूँ और जो भी मैं बोली थी कि COVID-19 का मैं जांच और कोविड वैक्सीन लेने जा रही हूँ उससे कोई दिक्कत नहीं गाइस। मैं आप लोग से भी अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भी इसका जांच करवाइए COVID-19 का। और COVID-19 का दो इंजेक्शन, एक कोविड को वैक्सीन है और एक कोविड शील्ड है। आप दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। मैंने तो कोविड शील्ड लिया था। और ये मैम ये भी बताई थी मैं कि इससे क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या क्या इससे सिम्टम होता है। तो सॉरी गाइस मैसेज आ गया। तो उससे क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या बेनिफिट मैंने बताया था। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर, जो वैक्सीन होता है उसको लेने से हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत ही बढ़ जाता है। और कोई भी अगर हमारे अंदर बीमारी होती है तो उससे इम्यूनिटी पावर जब अगर हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है तो बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। और ये इससे क्या क्या मुझे सिम्टम हुआ मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा थोड़ा शरीर भारीपन सा महसूस हुआ और थोड़ा सा फीवर लग गया। बस एक दो दिन में ये ठीक भी हो गया। और मैंने जब मुझे फीवर लगा था तो मैंने पैरासीटामोल टैबलेट ली थी, उसे खाई और उससे मैं बहुत अच्छा से मतलब ठीक हो गई। और जहाँ पे भी इंजेक्शन लगता है तो गैस थोड़ा सा तो दर्द देता है ना, बट उसके बाद अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वैक्सीन लेने से ऐसा होता है, ऐसा वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा जब मैं इंजेक्शन दिलवा लूंगी इसके बाद मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूंगी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है गाइस। मैं जितनी भी 18+ बॉयज एंड गर्ल हैं, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि मतलब सभी को ये इंजेक्शन लेना चाहिए, कोवैक्सीन चाहे कोविड से जो भी मार्केट में आप लोग को अगर वैक्सीन उपलब्ध मिलता है आप वो वैक्सीन ले सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। हाँ, आपका अगर इम्यूनिटी पावर कम होता है तो थोड़ा सा ही मतलब ज्यादा थकान सा महसूस होता है। अगर जिसका इम्यूनिटी पावर बरकरार रहता है उसे थोड़ा कम महसूस होता है। और वहाँ हम तो टीटुआ गांव है कोई, वहाँ जाकर ली थी। और आप लोग भी लीजिए। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो COVID-19 के बारे में, अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, साथ में मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ।